हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल टू नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स। तो देखो, निकल नाइट्रेट के अंदर बेटा जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है, तो हमें निकल प्लस टू को कन्वर्ट करना है इंटू निकल, है ना। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स का। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आपको 1 मोल निकल चाहिए, 1 मोल निकल जिसका मास है 58.5 ग्राम्स, 1 मोल निकल के लिए आपको 2F कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 2F कहाँ से आया? 2 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की जगह F लिखते थे हम, क्लियर। तो 2F कूलम्स से बेसिकली अगर मैं इसको रिवर्स करके बोलूँ तो 2F कूलम्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें तो 58.5 ग्राम ऑफ निकल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज सप्लाई किया, तो मेरा बात बन जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चार्ज कैसे निकलता है बेटा? क्यू इज आई टी। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम चार्ज यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू इज आई टी, तो करंट कितना था आपके पास? 5 एम्पीयर्स, एंड टाइम वॉज 20 मिनट्स, लेकिन हमें सेकेंड्स में पुट करना होता है, ऐसा ही यूनिट्स में, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 5 × 1200, सो दिस विल बी 66,000 कूलम्स। तो आपने जो चार्ज यूज किया है वो 6000 है। तो 2F कूलम से इतनी इतना निकल मिल रहा था, तो 1 कूलम से कितना निकल मिलेगा? 58.5 डिवाइडेड बाय 2F ग्राम्स ऑफ निकल, क्लियर। तो बताओ 6000 कूलम से कितना निकल मिल जाएगा? 6000 कूलम से 58.5 डिवाइडेड बाय 2F इंटू 6000 ग्राम ऑफ निकल विल बी ऑब्टेन्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे निकलेगा 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 6000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज डिवाइडेड बाय 96500, सो दिस विल बी 1.818 ग्राम ऑफ निकल, क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।